दोस्तों, आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ आज के दौर की बात नहीं करता, भविष्य में हमारे बच्चों का जीवन कैसा रहने वाला है, हमारे समाज में क्या बदलाव आने वाला है, इस पर भी मुझे लगता है कि अब विचार करने का समय आ गया है। मैं अपनी बात रखता हूं क्योंकि मैं अधिकारी नहीं हूं कि मैं सबकी तरफ से इस बात को रख पाऊं, लेकिन मेरे सुझाव और मेरा चिंतन इस विषय पर क्या कहता है वो बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैं बात करूंगा जो पहले पॉइंट की, वो है बच्चों का एजुकेशन सिस्टम, हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। अभी हम लोग घरों में हैं, पूरी तरह से हमारा आचार आहार विहार ये सारी चीजें जो हैं, या जो हमारी अभी तक की टेंडेंसीज चल रही थी, जो चीजें बहुत जरूरी लगती थी, जिन जगहों पर जाना बड़ा जरूरी लगता था, जो सैटरडे संडे आउटिंग्स बहुत जरूरी लगती थी, जो लोगों से मिलना बहुत जरूरी लगता था, वो अचानक से उतना जरूरी नहीं लग रहा है। इसके अलावा और भी जरूरी गैर जरूरी की लिस्ट आप बनाएंगे तो सबसे पहली जरूरत आपको महसूस होगी आपका अपना स्वास्थ्य, आपकी अपनी सेहत, किसी बीमारी से खुद को बचाना। और यही तो डर है जिसकी वजह से हम नहीं पूरी दुनिया घबराई हुई है, मौत का भय होता है। दूसरी चिंता मैंने जो देखी, दूसरी बड़ी चिंता जो मैंने देखी, वो देखी कि आप अपने खाने पीने और राशन यानी बेहद जरूरी चीजों को लेकर चिंतित हैं। चावल खत्म तो नहीं हो गया, गेहूं खत्म तो नहीं हो गया, दूध मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, और सब्जियां मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी, इसकी चिंता देखी मैंने, इससे ज्यादा बड़ी कोई चिंता नहीं देखा। साफ सफाई बाकी की सारी चीजें जो थी वो उनकी चिंता से आप मुक्त हो गए। अब अपने काम आप खुद कर रहे होंगे, ज्यादातर लोगों ने अपने अपने काम अपने घर में बांट लिए होंगे और धीरे धीरे स्थितियां ये आ गई। ये तो अभी 21 दिन के लॉकडाउन के बीच से थोड़ा सा ही आगे आए हैं हम। ये मैं बता रहा हूं कि मेरी एक किताब है 24 दिन 24 बातें, मैंने इस किताब में लिखा था कि 24 दिन में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, 24 दिन में आप अपनी हर आदत को बदल सकते हैं, जस्ट 24 डेज। और क्योंकि दिन के 24 घंटे होते हैं, इस लिहाज से मतलब मेरे दिमाग में ये आया और जो मेरे पॉइंट्स थे वो भी लगभग 24 थे, तो मैंने 24 दिन 24 बातें ऐसे रखे। आमतौर पर यह धारणा है कि 21 से 22 दिन आपकी आदतों को बदलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर 21 दिन आप किसी रूटीन को फॉलो कर लेते हैं तो आप फिर उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। फिर एक्सरसाइजेस, जिम का पैसा हम दे देते हैं और जिम नहीं जाते हैं, बहुत बहुतों की कहानी होगी, मेरी भी कहानी अभी तक रही है। अभी आप जिम नहीं भी जा रहे होंगे तो भी पहले से ज्यादा बेहतर फिट महसूस कर रहे होंगे, आप बाहर का खाना नहीं खा रहे होंगे तो आधी बीमारियों से वैसे ही बच गए होंगे। कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि कुछ आदतें हैं जिनको इन 21 दिनों में हमने अपनाना शुरू किया है। बहुत मुमकिन है, जैसा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का इशारा दिया है कि लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है, अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो क्या। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, रोजी रोटी की चिंताएं, धनोपार्जन की चिंताएं, काम क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी चीज अभी ये भी देखिए कि कितनी जल्दी रियलाइज हुआ है कि काफी लोगों के काम घर से हो सकते हैं, नहीं सबके नहीं हो पा रहे हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्री ठप है, बहुत तेजी से बहुत चीजों में गिरावट आ रही है, आर्थिक स्थिति पर लॉकडाउन का असर पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिनकी जिंदगी में काम भी अब घर से हो पा रहा है, वो लोग गौर करें, अपनी आदतों पर गौर करें। कुछ मजदूर भी हैं, कुछ ऐसे भाई भी हैं, आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे पास कई ऐसे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जो जिनके पास फोन है, क्योंकि फोन उनके पास आज बहुत बड़ा माध्यम है, टेलीविजन से बड़ा माध्यम है जो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है और उनके मैसेजेस आते हैं, सुझाव आते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आज डिजिटल क्रांति की एक्सेस देश के गांव गांव तक हो चुकी है, उनके पास भी इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से जा रही है, यानी हम सबके हाथ में एक ऐसी चीज। और यही तो वजह रही ना कि धीरे धीरे स्टार्टअप्स और इनोवेशंस, जिन पर मैं इतने लंबे समय से काम करता रहा और जो मेरी अभी आगामी किताब है उसमें भी मैंने इसी बात का जिक्र किया है कि कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है डिजिटल वर्ल्ड के जरिए। और कई अर्बन क्लैब और ऐसे कई हैं, मैं अभी कितने नाम लूँ, जोमेटो है और आपका बिग बास्केट वगैरह, ऐसे कई हैं जिन्होंने लोगों को भी रोजगार दिया और कनेक्टिविटी बनाई। वही सब्जी वाला है, अब उसके बीच में एक राइडर को भी डाल दिया है और एक ऐसी चेन बना दी है कि लोगों का काम हो रहा है और ये इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है।
हम सबका काम चल रहा है, लेकिन आप विश्वास करिए जिस दिन हम कोरोना से उभरेंगे नो डाउट, और निश्चित तौर पर सतर्कता बरतनी जरूरी है, लेकिन इस समय को कैसे यूटिलाइज करना है आध्यात्मिक और आपके व्यवसायिक और भौतिक जीवन की भी अगर मैं बात करूं तो दोनों चीजों को अगर मिलाएं आप तो एक बात को ध्यान में रख लीजिए, सकारात्मक चीजों को कभी खोना नहीं चाहिए भले ही वो जोर जबरदस्ती से आपके साथ आई। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये शब्द ऐसी ही परिस्थितियों के लिए कहा जाता है। हमारे साथ बहुत सारा भय, बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी हैं, उनके बारे में सोचना शुरू करें। अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचें। आप सोचें कि कैसे आपने अपनी लाइफ में कई उन चीजों को खो रखा। मैं देख रहा हूं कई लोग अपनी स्किल्स को बाहर निकाल रहे हैं, कई लोग ड्राइंग कर रहे हैं, कई लोग अपने म्यूजिक के पुराने हुनर को, बहुत समय से बांसुरी कहीं रख रखी थी या अपना सिंथेसाइजर कहीं रख रखा था, तो उन चीजों को निकाल निकाल कर अब अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कुछ लोग गुनगुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं मेरा तो एक ये स्वभाव रहा है और ये मेरी आदत में ही शुमार है, मतलब मैं इसको अपने भक्त प्रवृत्ति का होने का प्रमाण नहीं मानता, लेकिन ये मेरी आदत है बहुत बचपन से कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार का होने से कि मैं पूजा पाठ करता हूं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि मेरे इर्द गिर्द पूजा पाठ का माहौल बदल गया है, काफी लोगों के शंखनाद, घंटीनाद, शाम को दीपक लगाना, ये सारी चीजें हो रही है। अभी तक कहां से ये आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है? बहुत छोटी सी बात है, मुझे नहीं पता कितना जरूरी गैर जरूरी आप इस चीज को मानते, मैं मानता हूं और है भी, लेकिन अगर नहीं भी मानते तो किन चीजों को जरूरी मानते हैं? सेहत को मानते हैं, परिवार के साथ इन्वॉल्वमेंट को मानते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय परिवार को देने को मानते हैं, बाहर खाने से घर में खाने को बेहतर मानते हैं, और ऐसी बहुत 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 सारी चीजें हैं। इनको नोट डाउन करिए, इनको भूलने वाले हैं आप, जब लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे ना तो आप इनको भूलने वाले हैं और वो आपके लिए बुरा समय होगा। अभी कठिन समय है, वो बुरा समय होगा जब अच्छी आदतों को खो देंगे। इन अच्छी आदतों को कभी मत खोइए, और कई चीजें सीखने वाली भी हैं, यानी कि सबसे बड़ा नॉलेज, सबसे बड़ा ज्ञान कि हम जीवन की आपाधापी में कई ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। हम उन चीजों को खो रहे हैं जो शाश्वत है, हम उन चीजों को खो रहे हैं जो सचमुच में हमारी है, हमारा समय, हमारे अपने मनोभाव, हमारी प्रसन्नता, हम खुश हैं, दुखी हैं, और दुखी होने की वजह क्या है? हम जितना जितना बाहर भाग रहे हैं उतना उतना परेशान होते जा रहे हैं, विचलित होते जा रहे हैं। आज मुझे इंदौर से एक मित्र बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों की स्थिति ठीक है बनिस्बत वो जगह उन जगहों के जो महानगर बन चुकी हैं। अब इंदौर भी महानगर बन ही चुका है, सभी जानते हैं इस बात को। क्यों क्यों सतर्क है ज्यादा ग्रामीण इलाकों में? जब कोरोना वायरस आया था तो हमारा डर था कि ग्रामीण इलाके तो खत्म हो जाएंगे, वहां तो वहां लोगों को शिक्षा नहीं है, वहां लोगों को अक्ल नहीं है, ये नहीं है। इंदौर के आसपास के गांव के बारे में मुझे जानकारी मिल रही कि वो लोग ज्यादा सतर्क हैं, वो कड़ाई से पालन कर रहे हैं, वो अपने घरों में भी हैं, बाहर से आने वाले लोगों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। आप जिन शहरों जिन्हें शहर कह रहे हैं ना, वो दरअसल अब असली गवार यहां पर बसते हैं, असली गवार हम हैं, क्योंकि हम गलत चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हमने असली चीजों को छोड़ दिया है। बहुत से लोग कहते सुनाई देते हैं, बड़े किस्मत वाले हैं वो लोग जो गांव में रह रहे हैं, ना अनाज की चिंता है ना इसकी चिंता है। अब याद आ रहा है आपको? अब गाड़ियां याद नहीं आ रही हैं, अब मॉल्स याद नहीं आ रहे हैं, अब चकाचौंध याद नहीं आ रही है, नाइट लाइफ याद नहीं आ रही है, सोशल गैदरिंग याद नहीं आ रही। खैर, यहां पर मैं भी आप ही के बीच का एक इंसान हूं, हालांकि मैं मुझे स्वभावगत बहुत बाहर रहना पसंद नहीं है, मेरी इस बात से कई लोगों को आपत्ति भी है, लेकिन भीतर जब आइए तो अपना स्वभाव है। मैं ये नहीं कहता कि आप सब पर इसको आरोपित होना चाहिए, हमको अपने निज स्वभाव या जिसको स्वभाव कहते हैं उसको पकड़कर रखना चाहिए, अपने भाव को पकड़कर रखना चाहिए। हाँ, जरूरी चीजों की लिस्टिंग कर लीजिए, और जो अच्छी चीजें सीखी है ना इनको कभी मत छोड़िएगा, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। और लगातार कुछ मैंने अच्छी चीजें सीखी है कि कुछ कुछ आपसे बात करता रहा हूं, ये बातें मैं यूं भी दोस्तों से, मित्रों से
या अगर किसी को कभी कोई सलाह मशवरे की जरूरत होती है तो करता हूं, ये जानकारियां लिखता भी रहता हूं कई बार, लेकिन उतने लोगों तक शायद नहीं पहुंच पाती। कई बार मुझसे लोगों ने कहा कि आप वीडियोस बनाया करो, आपकी ये बात और लोगों तक भी जानी चाहिए, और आप इनकी तरह बनाइए उनकी तरह बनाइए। तो खैर कुल मिलाकर ये कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब हमें ज्यादा सतर्क होने की और ज्यादा बेहतर सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एनकरेज किया, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ काम की चीजें आप तक पहुंचा पाऊँ।